Hello dear student, welcome to biology class 11th chapter 13 photosynthesis in higher plants. Topic is introduction. We will talk about introductory topics of photosynthesis, early experiment, absorption and action spectra. I am Manisha Verma, lecturer in biology, GMSSS Ani district Kullu HP. So baat karte hain photosynthesis ki. So photosynthesis jo hai bahut छोटी एज से क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं. तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. सो ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. ग्रीन प्लांट्स हैव टू मेक और रादर सिंथेसाइज द फूड दे नीड एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देम फॉर देयर नीड्स. तो जो आपके पास प्लांट्स हैं वो फूड सिंथेसाइज करते हैं, बाकी सारे जो एनिमल्स हैं वो उन पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए. तो ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस क्या है बेसिकली? इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस बाय विच दे यूज लाइट एनर्जी टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो यहां पर क्या होता है, लाइट का यूज करके, लाइट एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट. तो अगर मैं डिफाइन करूं फोटोसिंथेसिस को, सो इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोटोनिक एनर्जी, लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी दैट इज कार्बोहाइड्रेट बाय ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट. अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी. द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यू वेरी वेल नो. तो फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ, क्योंकि सारा जो हमारे पास एनर्जी को ट्रैप करने का जो काम है सनलाइट को, दैट इज थ्रू प्लांट्स. And now and next, it is also responsible for the release of oxygen into the atmosphere by green plants. तो photosynthesis ही वो process है जिसके through oxygen जो है वो plant से release होती है, जिसे हम breathing में use करते हैं. So जो है कुछ simple experiments जो आप छोटी classes में पढ़े होंगे या किए भी होंगे फोटोसिंथेसिस को देखने के लिए कि फोटोसिंथेसिस होता है या नहीं. यू मस्ट हैव टुक अ लीफ, जिसमें एक लीफ को जो है पार्शियली कवर कर दिया गया था ब्लैक पेपर के साथ. तो हमने देखा कि जो पोर्शन लीफ का कवर्ड था पेपर के साथ और दूसरा ऐसा था जो विच वॉज एक्सपोज टू लाइट. तो जाहिर सी बात है जो ब्लैक पेपर से ढका हुआ था उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, उसमें स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन नहीं हुई, जो लाइट में एक्सपोज था उसमें हुई. तो जब आयोडीन टेस्ट हम करते हैं तो ब्लैक पोर्शन जो है उसका टेस्ट नेगेटिव आता है और जो एक्सपोज टू लाइट पोर्शन है इट टेस्ट पॉजिटिव फॉर स्टार्च. उसी तरह से एक और एक्सपेरिमेंट हमारे पास होता था, उसमें हम क्या करें, वेयर अ पार्ट ऑफ अ लीफ इज एनक्लोज्ड इन अ टेस्ट ट्यूब विच हैज द ट्यूब कंटेनिंग सम KOH सोक्ड कॉटन. तो हम क्या करेंगे, लीफ के कुछ पार्ट को एक टेस्ट ट्यूब में डाल लेंगे. उस टेस्ट ट्यूब में क्या रहेगा, KOH सोक्ड कॉटन. तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसमें रहेगा. तो आधा पार्ट जो है लीफ का हमने उसमें रखा है ट्यूब में, आधा जो है वो इट इज एक्सपोज टू एयर. तो उसके बाद समटाइम आफ्टर हम जो है स्टार्च के लिए अगर टेस्ट करेंगे दोनों हाफ को लीफ को, तो जो पोर्शन जो है ट्यूब के अंदर था दैट विल बी टेस्ट नेगेटिव फॉर स्टार्च और दूसरा जो पोर्शन इट विल टेस्ट पॉजिटिव फॉर स्टार्च. तो इससे क्या पता चलता है, जो KOH होता है हमारे पास इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड. तो जो ट्यूब के अंदर लीफ का पोर्शन था वहां पर देयर वाज नो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होने की वजह से वहां पर कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं बना. तो यहां से हमें दो चीजें पता चली कि एक तो जो है फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जरूरी है और दूसरा हमें यह पता चला कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है. तो इसी तरह से बहुत सारे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसने फाइनली जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग बनाई फोटोसिंथेसिस को लेकर के. तो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स को पहले थोड़ा सा ले लेते हैं, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिससे ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुई इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट माना जाता है जोसेफ प्रिस्ले का, इन 1770 परफॉर्मड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दैट रिवील द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स. तो उन्होंने बताया कि जो एयर है उसका कोई कुछ स्पेशल रोल है फोटोसिंथेसिस में, और जो है उतनी प्रॉपर जो प्रोसेस का पता उस टाइम नहीं था. तो प्रिस्ले ही है जिन्होंने ऑक्सीजन भी डिस्कवर किया इन 1774 में. तो उन्होंने ये एसेंशियल रोल ऑफ एयर जो है वो कैसे चॉक आउट किया, तो उन्होंने क्या किया,
एक बेल जार लिया और एक बर्निंग कैंडल जो है उसके अंदर रख दी। तो जाहिर सी बात है, थोड़ी देर के बाद क्या होना था, जो कैंडल है वो बुझ गई। तो उसी तरह से फिर दूसरा उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, बेल जार के नीचे उन्होंने एक चूहा रख दिया, माउस रख दिया क्लोज स्पेस में। तो थोड़ी देर के बाद जो है, जो हमारे पास माउस है वो सफोकेट हो गया। तो जैसे उसे जो है सांस नहीं आ रही थी, सफोकेट वो हो गया। तो इस तरह से उन्होंने कंक्लूड किया कि कुछ तो है जो बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल जो है एयर से कुछ रिमूव कर रहा है, या समहाउ वो डैमेज कर रहा है एयर को, जिस वजह से फर्दर जो है वो जो है कैंडल बुझ गई और जो एनिमल है वो सफोकेट हो गया। बाद में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया बाय प्लेसिंग अ मिंट प्लांट इन द सेम बेल जार। तो तब जो है उन्होंने देखा कि कैंडल जो है वो देरी तक जली और माउस जो है इट स्टेड अलाइव। तो प्रिस्ले ने हाइपोथेसिस जो है एक कंक्लूजन निकाला उसको देख के कि प्लांट्स रिस्टोर टू द एयर वट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव। तो एक आइडिया उनके पास आ गया। उस टाइम नहीं पता था कि ऑक्सीजन चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस निकाला कि कुछ तो है जो प्लांट्स जो है एयर को रिस्टोर कर रहे हैं, जो ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल्स रिमूव कर रही हैं। तो नाउ वी नो कि कैंडल्स और जो एनिमल थे वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे थे, उसी वजह से कैंडल बुझी और माउस जो है वो सफोकेट हुआ और ऑक्सीजन वहां से रिमूव हो रही थी। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये था। फिर दूसरा, जैसा प्रिस्ले ने किया था वैसे ही एक और एक्सपेरिमेंट किया जैन इंगिन हाउस ने। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सारा सेटअप डार्क में रख के किया। तो ही शोड दैट सनलाइट इज असेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस दैट समहाउ प्यूरिफाइज द एयर फाउल्ड बाय बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल्स। तो उन्होंने क्या किया, इंगेन हाउस ने एक एक्सपेरिमेंट किया एक्वेटिक प्लांट के साथ। उन्होंने देखा कि ब्राइट सनलाइट में जब हम प्लांट को रखते हैं तो वहां पर बहुत सारे स्मॉल बबल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स जो है जब रेस्पायर करते हैं, तो जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पे ऑक्सीजन बनेगी, ऑक्सीजन बनेगी तो बबल्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। लेकिन उन्होंने देखा डार्क में जो इस तरह के कोई बबल्स जो है वो नहीं बन रहे हैं। तो लेटर उसने आइडेंटिफाई किया कि ये बबल्स जो है वो ऑक्सीजन के हैं। तो इस तरह से पता चला फर्स्ट चीज की, पहले पता चला कि एयर जो है असेंशियल है, फिर पता चला कि सनलाइट असेंशियल है, और फिर ये भी पता चला कि ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ दो स्मॉल बबल्स। अगला जो एक्सपेरिमेंट किया जूलियन वॉन्सेक्स ने, ही प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो। तो आज हमें ये पूरी क्लैरिटी के साथ पता है कि ग्लूकोज बनता है, स्टार्च बनता है प्लांट्स में। तो जूलियन वॉन्सेक्स वो पहले थे जिन्होंने बताया था कि देर इज प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, एंड ऑल्सो ही टोल्ड अबाउट द ग्रीन सब्सटेंस। अब हमें पता है उसका नाम क्लोरोफिल है, और उसने कहा था कि कुछ ग्रीन सब्सटेंस पत्तियों में या ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में रहता है, विच इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडीज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो लेटर जो है हम उनको क्लोरोप्लास्ट कहने लगे। फिर उसी तरह से हमारे एक और साइंटिस्ट थे TW एंगलमैन। तो इन्होंने क्या किया, ही यूज्ड अ प्रिज्म। प्रिज्म यूज करके उन्होंने लाइट को जो है उसके स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दिया। प्रिज्म जो है वो लाइट को, लाइट वेवगियर जो होती है विजिबल लाइट हमारी, उसको उसके कंपोनेंट्स में जो है उसने उन्हें स्प्लिट कर दिया। तो उसके बाद स्प्लिट करने के बाद हर तरह की लाइट से उसने क्या किया, एक ग्रीन एल्गा को इल्यूमिनेट किया। मीन्स ग्रीन एल्गा क्लैडोफोरा जो था उसके ऊपर वो लाइट डाली। तो प्लेस्ड इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। तो जो एल्गा का जो सेटअप था जो इन्होंने लगाया था, उसमें जो है एरोबिक बैक्टीरिया भी थे। एरोबिक बैक्टीरिया मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन लेते हैं। तो क्या था, एक सेटअप था उसमें एल्गा था, क्लेडोफोरा और एरोबिक बैक्टीरिया थे। तो बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन। ही ऑब्जर्व दैट द बैक्टीरिया एक्युमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम। तो जिस तरह से लाइट फॉल कर रही थी प्रिज्म से स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स में डिवाइड होकर के, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, विबग्योर जो भी है हमारे पास, तो उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया जो है वो कहाँ पर ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहे थे, जहां पर प्रिज्म से स्प्लिट होकर ब्लू और रेड लाइट पड़ रही थी। तो इसका मतलब उन्होंने निकाला
कि ब्लू और रेड लाइट जहां पर है वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा इवॉल्व हो रही है, इसलिए ज्यादा बैक्टीरिया वहां पर थे क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन वहां पर थी। तो इस तरह से कुछ आइडिया मिल गया कि फोटोसिंथेसिस जो है ज्यादा होता है ब्लू एंड रेड लाइट में, और ये बात जो है आगे जाके साबित भी हुई। बाय मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी द की फीचर ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस वर नोन। द प्लांट कुड यूज लाइट एनर्जी टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम CO2 एंड वाटर। तो इक्वेशन जो है वो इस तरह से दी गई दैट CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ लाइट चेंजेस इनटू CH2O प्लस O। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है लाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट CH2O प्लस ऑक्सीजन, वो जो है वो बनाते हैं। तो ये जो है फाइंडिंग जो है वो इनके एक्सपेरिमेंट से आ गई थी। फिर अ माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज मेड बाय कॉर्नेलियस वॉन नील, हु बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑफ पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो अभी तक क्या सोचा जाता था कि जो ऑक्सीजन आ रही है वो आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड के स्प्रिट होने से, लेकिन कॉर्नेलियस वॉन नील जो थे उन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस जो है वो असेंशियली मीन्स वो लाइट के बिना नहीं हो सकता है, और यहाँ पर क्या होता है कोई ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होता है जिससे जो है हाइड्रोजन निकल के आती है जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करती है टू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2H2A प्लस CO2 चेंजेस इनटू 2A प्लस CH2O प्लस H2O। तो 2H2A जो है यहाँ पर ये हमारे पास है वो सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जिसके स्प्लिट होने से जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी रिडक्शन यहाँ पर हो रही थी। तो दिस इज 2A जो हमारे पास बना, ये कोई भी हो सकता है, A जो हमारे पास H2O भी हो सकता है, H2S भी हो सकता है, 2A प्लस CH2O दैट इज कार्बोहाइड्रेट और थोड़ा सा वाटर जो है वो जरूर बनता है। तो ग्रीन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो वहां पर ये जो 2H2A है इट इज द वाटर, H2O है ये, इट इज द हाइड्रोजन डोनर एंड इट इज ऑक्सीडाइज टू O। और जो हमारे पास दूसरे जो हमारे पास ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें ये जो सबस्ट्रेट होता है ये होता है H2S। तो यहाँ से जो है इस फाइंडिंग से पता चला कि जो ऑक्सीजन आ रहा है वो वाटर से आ रहा है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये कैसे पता चला? तो हमारे पास कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने की इसकी लेबलिंग। तो हमारे पास उन्होंने ऑक्सीजन का जो आइसोटोप यूज किया दैट वाज द हैवी आइसोटोप O18। नॉर्मल जो ऑक्सीजन होती है दैट इज O16, यहाँ पर यूज की गई O18। तो यहाँ पर H2O जो ऑक्सीजन यूज किया गया दैट वाज 18 प्लस CO2 नॉर्मल ऑक्सीजन यूज की गई। जब जो हमारे पास ये इक्वेशन जो है फिर रिएक्शन हुआ तो टू मॉलिक्यूल जो यहाँ पर बने वो बने ऑक्सीजन के, और वो जो ऑक्सीजन थी वो हैवी थी, 18 थी वो, और कार्बोहाइड्रेट में नॉर्मल ऑक्सीजन थी। तो इससे पता चला कि ये जो ऑक्सीजन बन रही है ये एक्चुअल में वाटर के स्प्लिट होने से बन रही है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के। उसी तरह से जब पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में भी ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो वहां पर ये जो ऑक्सीडाइजेबल सबस्ट्रेट होता है वो होता है H2S। तो H2S प्लस ये जो CO2 ये रिएक्शन जब हुआ तो यहाँ पर भी कार्बोहाइड्रेट बना और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट नहीं हुई, यहाँ पर लिबरेट हुई सल्फर। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन आती तो सल्फर बैक्टीरिया में भी ऑक्सीजन लिबरेट होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वहां पे सल्फर लिबरेट हुई। तो इसका मतलब स्प्लिट होने वाला जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास ये वाला है, H2A है। तो ये हो सकता है H2O इन केस ऑफ हायर प्लांट्स और H2S इन केस ऑफ बैक्टीरिया। तो इस तरह से पता चला कि रिडक्शन जो हो रही है कार्बोहाइड्रेट की और ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रही है इट इज बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नॉट बाय कार्बन डाइऑक्साइड।
तो करेक्ट इक्वेशन जो हमारे पास ओवरऑल फोटोसिंथेसिस की फिर आई वो थी 6CO2 प्लस 12H2O, दैट इज 6C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो O जो है वो इट इज रिलीज फ्रॉम वॉटर। तो इस तरह से बात हुई हमारे पास अर्ली एक्सपेरिमेंट्स की। अब हम बात करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की। So now we'll talk about site of photosynthesis. Site of photosynthesis, as you have read in all earlier classes, it is the green leaf obviously. और green leaf में भी कहाँ पर? उसके chloroplast के अंदर। तो photosynthesis जो है सिर्फ green leaf में नहीं होती है, और green parts में भी होती है plant की। Young stem आपने देखी होगी, green होगी होती है, और कई roots होती हैं हमारे पास जो green होती हैं। तो greenish जो structures होते हैं उनमें chloroplast होते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वेयर दे आर सिचुएटेड इन द लीफ दे आर प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल्स। तो ये जो सेल्स हमारे पास हैं, दीज आर दी मीजोफिल सेल्स। तो जो मीजोफिल सेल्स होते हैं, इनमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो मैक्सिमम 300 तक क्लोरोप्लास्ट एक सेल के अंदर हो सकते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, इनका जो अरेंजमेंट है, इस तरह से जो अरेंजमेंट है, ये डिपेंड करता है सनलाइट की अवेलेबिलिटी पर। ये इस तरह से अरेंज होते हैं हमेशा, ताकि ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ सनलाइट इनको मिल सके। तो एल्गल क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, उनकी शेप्स जो है, वेरियस शेप्स होती हैं। स्टार शेप के होते हैं, कप शेप के होते हैं, बेल शेप के होते हैं। जो हायर प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, दे आर डिस्कॉइड, एलिप्सॉइडल और बाइकनवेक्स लेंस शेप्ड। तो लेंस की तरह शेप जो है उनकी होती है, जो हायर प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसा क्या है जिसमें कि फोटोसिंथेसिस जिससे पॉसिबल हो पाती है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें एक मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेना, दैट इज स्टैक ऑफ थाइलेकोइड्स। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है एंटायर, दिस इज नोन एज ग्रेना, ग्रेना और ग्रेनम। तो दिस इज द ग्रेनम, और इस ग्रेनम का जो एक सर्कल है, इंडिविजुअल जो सर्कल है, इट इज नोन एज थाइलेकोइड। तो दूसरा इसमें क्या होते हैं, द स्ट्रोमा लेमेले और फ्रेट चैनल्स। तो ये जो बीच में जो चैनल्स हैं, दीज आर नोन एज द स्ट्रोमा लेमेले और फ्रेट चैनल्स। और तीसरी इसमें चीज होती है फ्लूइड स्ट्रोमा। तो तीन पार्ट्स हुए हमारे पास, ग्रेना, स्ट्रोमल लेमेले और स्ट्रोमा। तो अब यहां पर जो है बहुत क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है। तो हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस रहती है वो दो फेजेस में होती है। एक को हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं और दूसरे को डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारे पास ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी होती है, जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करना है, और उससे कुछ हाई एनर्जी कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे कि एटीपी और एनएडीपीएच। तो जो मेम्ब्रेन सिस्टम हमारा है, जो ग्रेना है और जो स्ट्रोमा लेमेले और फ्रेट चैनल है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो उसको कहा जाता है लाइट रिएक्शन। और दूसरा हमारे पास होता है स्ट्रोमा में, जो ये हमारे पास फ्लूइड, जो जेली लाइक मैट्रिक्स होता है क्लोरोप्लास्ट का, दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। तो दूसरे फेज में क्या होता है, जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी रिडक्शन होती है टू फॉर्म ग्लूकोज। तो उसकी जो रिडक्शन के लिए जो एंजाइम्स होते हैं, वो सारे प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा के अंदर। तो जो रिडक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड की इनटू ग्लूकोज, उसको कहा जाता है डार्क रिएक्शन। तो ये जो हमारे पास लाइट और डार्क रिएक्शन जो टर्म्स हैं, इनका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक जो है वो लाइट में होता है और दूसरा अंधेरे में होता है। तो यहां मैं आपको बताती हूँ इसे ऐसा क्यों कहा जाता है। जो पहले रिएक्शंस हैं, जिसमें एटीपी और एनएडीपीएच बनता है, दे आर डायरेक्टली लाइट ड्रिवन, डायरेक्टली लाइट के प्रेजेंस में होते हैं, इसलिए उन्हें लाइट रिएक्शन कहा जाता है। तो उसमें क्या क्या आता है, लाइट का एब्जॉर्ब होना क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के द्वारा, वाटर की स्प्लिटिंग, जैसे हमने पहले बात की कि वाटर से ही ऑक्सीजन इवॉल्व होती है और वहीं से हाइड्रोजन आता है रिडक्शन के लिए, तो ऑक्सीजन का रिलीज जो होता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट एटीपी एंड एनएडीपीएच, ये सब आता है फर्स्ट फेज में, जिसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, फोटोसिंथेसिस का जो फर्स्ट फेज है, और उसे हम फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट। जो और जो दूसरे सेट ऑफ रिएक्शन है, जो स्ट्रोमा में हमने बताया, दे आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन, मीन्स वो डायरेक्टली लाइट उनके लिए नहीं चाहिए, लेकिन दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन लाइट,
क्यों? दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन एटीपी एंड एनएडीपीएच. तो इन्हें यहाँ कहा जाता है रिड्यूसिंग पावर, जो रिड्यूस करने में हेल्प करेगी सीओ टू को इंटू ग्लूकोज. तो हम जो है सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए एक फेज को दूसरे फेज से, दूसरे फेज को हम डार्क रिएक्शन बोल देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये रिएक्शन अंधेरे में होते हैं. दे आर नोन डार्क रिएक्शन जस्ट बाय कन्वेंशन टू डिस्टिंग्विश देम. अदरवाइज प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन आर यूज इन दिस रिएक्शन फॉर रिडक्शन. तो अब बात करते हैं पिगमेंट्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट में जो एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस करने वाली जो चीज है, दीज आर दी पिगमेंट्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट रहता है उसमें कितनी तरह की पिगमेंट्स होती हैं. तो जो कलर ऑफ लीफ होते हैं वो वेरी करते हैं, आपने देखे होंगे. तो कलर ऑफ जो लीफ होता है, इट इज नॉट ड्यू टू अ सिंगल पिगमेंट, बट जो है मेन यहाँ पर कौन सा, कितनी पिगमेंट्स होती हैं, चार पिगमेंट. तो सबसे पहली है क्लोरोफिल ए, दैट इज ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन द क्रोमेटोग्राम. तो क्रोमेटोग्राम क्या होता है, एक टेक्निक होती है क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम कलर्स के बेसिस पर जो है सॉर्ट आउट करते हैं चीजों को. तो दैट इज क्रोमेटोग्राम. तो उसमें कलर कैसा आता है उसका, ब्राइट और ब्लू ग्रीन. फिर क्लोरोफिल बी, तो उसका कलर होता है येलोइश ग्रीन. थर्ड पिगमेंट जो लीफ में पाई जाती है, दैट इज जेंथोफिल्स, येलो इन कलर, एंड कैरोटीनॉइड्स, येलो टू येलो ऑरेंज. तो ये चार पिगमेंट जो है लीफ में पाई जाती हैं. अब पिगमेंट्स होती क्या हैं? तो पिगमेंट ही वो सब्सटेंसेस हैं विच हैव एबिलिटी टू अब्सॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ. तो फोटोसिंथेसिस क्या है? अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय प्लांट. अब प्लांट कैसे उसको अब्सॉर्ब करता है? बाय हेल्प ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन इट्स क्लोरोप्लास्ट. अब ये जो पिगमेंट्स होती हैं प्लांट्स में, दे आर अरेंज्ड इन कम्प्लेक्सेस. और कैसे कम्प्लेक्सेस में? उन कम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स, या शॉर्ट में LHCs. तो LHCs जो है लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स मीन्स जो लाइट को अब्सॉर्ब करने का काम कर रही हैं. तो ये लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स होते हैं, ये दो तरह से अरेंज होते हैं, फोटोसिस्टम वन एंड फोटोसिस्टम टू. फोटोसिस्टम मीन्स लाइट का हार्वेस्ट करने का सिस्टम. दीज आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी एंड नॉट इन विच दे फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन. तो PS1 और PS2 जो है ये डिस्कवरी के बेसिस पर, पहले जो है PS1 डिस्कवर हुआ था, फिर PS2. तो फंक्शनिंग का ऑर्डर इनका कुछ और रहता है. अब बात करते हैं इनके लोकेशन की. तो PS1 जो होता है, इट इज लोकेटेड इन नॉन एप्रेस्ड पार्ट एंड स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स. तो जो चैनल्स होते हैं यहाँ पर, और नॉन एप्रेस्ड मीन्स जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं, यहाँ पर होता है PS1. और PS2 जो होता है, इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स एप्रेस्ड रीजन. एप्रेस्ड मीन जो दबे हुए रीजन है, इनकी तरफ प्रेजेंट होती हैं जो हमारे पास PS2. सो जो LHC होता है, इट इज मेड अप ऑफ अ रिएक्शन सेंटर. और रिएक्शन सेंटर जनरली क्या होता है, इट इज द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, इट फॉर्म्स अ रिएक्शन सेंटर. और दूसरा होता है LHC में एंटीना कम्प्लेक्स. तो एंटीना कम्प्लेक्स क्या होता है, इट इज द हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बाउंड टू प्रोटीन्स. तो हमारे पास एंटीना कम्प्लेक्स में क्या आएंगी, जितनी भी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल बी, इन सबको हम क्या कहेंगे, एंटीना कम्प्लेक्स पिगमेंट, या एसेसरी पिगमेंट्स भी हम इनको बोलते हैं. तो हर फोटोसिस्टम जो होता है, चाहे PS1 है चाहे PS2 है, इसमें सारी पिगमेंट मॉलिक्यूल होती हैं. क्लोरोफिल ए भी होता है, लेकिन क्लोरोफिल ए में थोड़ा सा वेरिएशन रहता है दोनों ही फोटोसिस्टम में. तो इस तरह से जो हमारे पास LHCs और रिएक्शन सेंटर और एंटीना कम्प्लेक्स, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल और एंटीना कम्प्लेक्स में असेसरी पिगमेंट जितनी हमारे पास आती हैं. तो रिएक्शन सेंटर PS1 में जो होता है, जो क्लोरोफिल ए है, इट हैज एन अब्सॉर्प्शन पीक एट 700 नैनोमीटर. तो ये जो है अब्सॉर्प्शन पीक मीन्स अब्सॉर्ब जो करता है वेवलेंथ 700 नैनोमीटर की, हेंस इट इज कॉल्ड P700, वाइल इन PS2 इट हैज अब्सॉर्प्शन मैक्सिमा एट 680 नैनोमीटर एंड इट इज कॉल्ड P680. तो यही फर्क है PS1 और PS2 में. बाकी दोनों ही क्या है, LHC है, लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स है, दोनों में ही रिएक्शन सेंटर है, एंटीना कम्प्लेक्स है. एंटीना कम्प्लेक्स दोनों में सेम है, रिएक्शन सेंटर में डिफरेंस है. तो दीज आर दी LHC. और यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से अरेंजमेंट रहता है, दिस इज द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, दैट इज अ रिएक्शन सेंटर,
इसके साथ होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये फोटोन ऑफ लाइट जब स्ट्राइक होता है तो इस तरह से ये जो असेसरी पिगमेंट्स हैं, ये जो एंटीना कम्प्लेक्स की पिगमेंट हैं, ये एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब करती हैं और इस तरह से ये वन बाय वन जो है फिर ट्रांसफर करती हैं इसे रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूल के पास। तो आई होप इट इज क्लियर, एंटीना कम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर। तो इस तरह की पिगमेंट जो है वो क्यों जरूरी है, क्यों सीधा ही क्लोरोफिल ही अब्सॉर्ब नहीं करता, तो फोटोसिंथेसिस को मोर एफिशिएंट बनाने के लिए जो है डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को अब्सॉर्ब करने के लिए यहाँ पर पिगमेंट है, क्योंकि हर एक पिगमेंट जो है वो स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करती है। तो इसका मतलब है कि जैसी भी लाइट हो तो उसमें जो है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो सके, इसलिए इस तरह से जो है अरेंजमेंट होता है। तो क्लोरोफिल ही मेजर पिगमेंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट, पर अदर जो पिगमेंट है देयर ऑल्सो मैंने बताया एसेसरी पिगमेंट हम उनको बोलते हैं, ये जो है एनर्जी को ट्रांसफर करती है क्लोरोफिल ए को। तो अगर क्लोरोफिल ए पे डायरेक्ट जो है वो लाइट अब्सॉर्ब होती तो हो सकता था कि क्लोरोफिल ए जो है वो फोटो ऑक्सीडाइज भी हो सकता था, इसलिए इस चीज से बचने के लिए हमारे पास देयर इज अरेंजमेंट ऑफ एंटीना कम्प्लेक्स और से असेसरी पिगमेंट्स। तो ये हुई बात हमारे पास लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स की। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम की। तो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, इट इज अ ग्राफ, सिंपली द ग्राफ शोइंग द एबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल ए टू अब्सॉर्ब लाइट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट द विवक्योर। तो अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, ये एक ग्राफ है जो शो करता है एबिलिटी को, किसकी, क्लोरोफिल ए की एबिलिटी को टू अब्सॉर्ब लाइट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, किसकी, जो स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट जो होती है हमारे पास दैट इज विवक्योर, उसकी कौन सी वेवलेंथ को कितना जो है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब करता है वो हमें पता चलता है ग्राफ के थ्रू, जिसे हम कहते हैं अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और ये जो अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसे यूज करके ये जो है बनाया जाता है। तो ये हियर यू कैन सी दिस इज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। तो इसमें जो अब्सॉर्प्शन जो पीक आई है वो हमारे पास हमें मिलती है, एक तो हमारे पास ये ब्लू रीजन बिटवीन 400 टू 500 नैनोमीटर के बीच में एक पीक मिलती है, फिर ये रिप्रेजेंट करता है कि इस लाइट को जो है क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब कर रहा है, फिर हमें एक डिप मिलता है धीरे धीरे स्लाइट इंक्रीज, और एक पीक हमें मिलती है अराउंड रेड रीजन 700 नैनोमीटर के आसपास। तो ये अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें ये बताता है कि क्लोरोफिल ए जो है हमारे पास इट अब्सॉर्ब्स ब्लू एंड ग्रीन लाइट जो है इन मैक्सिमम, सबसे ज्यादा ये ब्लू और रेड रीजन की लाइट को अब्सॉर्ब करता है। और या तो अगर लाइट यहाँ पे ज्यादा अब्सॉर्ब हो रही है इसका मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो भी यहीं पर ज्यादा रहता होगा, ये हमने एक अर्ली एक्सपेरिमेंट में भी थोड़ा सा इसका आइडिया हमने लिया था। तो इसी तरह से दूसरे भी पिगमेंट्स हैं जिनका आप अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देख सकते हो किन किन रीजन्स में फॉल करता है कैरोटीनॉइड्स का, क्लोरोफिल बी का। तो क्लोरोफिल बी जो है वो स्लाइटली आगे जो है उसका अब्सॉर्प्शन पीक है, कैरोटीनॉइड्स का जो है 500 नैनोमीटर्स की रेंज में अब्सॉर्प्शन पीक है। तो इस तरह से अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक ऐसा ग्राफ जो अब्सॉर्प्शन लाइट की अब्सॉर्प्शन बताता है हमें, कौन सी वेवलेंथ की लाइट पिगमेंट जो है ज्यादा अब्सॉर्ब करता है। फिर हमारे पास एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है, इट इज द कर्व प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व्ड और द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड एट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो बेसिकली जो एक्शन स्पेक्ट्रम है हमारे पास वो क्या बताता है हमें एक्शन के बारे में, कि कौन सी वो वेवलेंथ ऑफ लाइट्स हैं जहां पर कि इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम है। तो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम होने का मतलब है वहां पर फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो मैक्सिमम है। तो जैसे हमने अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखा क्लोरोफिल ए के, तो मैक्सिमम पीक जो हमको अब्सॉर्प्शन की मिल रही थी ब्लू और रेड रीजन्स में। तो एक्शन स्पेक्ट्रम को भी आप अगर कंपेयर करें तो आप देखोगे तो यहां पर ऑक्सीजन इवोल्यूशन की जो पीक है वो भी हमें उसी रीजन में मिल रही है, अराउंड ब्लू रीजन एंड अराउंड रेड रीजन। तो इससे पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस का रेट भी यहीं पर मैक्सिमम है, एक्शन स्पेक्ट्रम जो इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये था हमारे पास एक्शन स्पेक्ट्रम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस एंड इस अर्ली एक्सपेरिमेंट एंड एक्शन एंड अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।